अच्छा अमूल का बटर जो है पूरा अच्छे से लगा दिया है भैया ने चुरचुर नान के ऊपर। ग्यारह साल पुरानी शॉप है। और यहाँ पे हम लोग ट्राई करने वाले हैं चुरचुर नान। हेलो फूड वॉरियर्स, आज आ चुके हैं चंदेल नगर में और यहाँ पे हम लोग ट्राई करने वाले हैं चुरचुर नान, जो कि देख ही सकते हो कि 120 रुपए की प्लेट है। और यहाँ पे भी देखते हैं कि चुरचुर नान कैसे होने वाली है, इसके साथ दाल मखनी मिलने वाला है, दाल मखनी छोले के साथ जो है सर्व की जाएगी। लोकेशन की बात करूँ तो यहाँ पे ये जो शॉप है वो ब्रेकफास्ट हट के नाम से है और इसके बगल में भी एक शॉप है, और मतलब इधर का भी रोड है, इसके बगल में एक शॉप है और उधर आगे भी एक शॉप है लेफ्ट हैंड साइड में। बाकी सामने जिम के सामने वाली शॉप पड़ेगी जहाँ पे भी हम लोग आए हैं चुरचुर नान को ट्राई करने के लिए। लोकेशन जो है चंदेल नगर, ये नियर कृष्णा नगर के पास पड़ेगा। और ये शॉप जो है 11 साल पुरानी शॉप है। गूगल मैप की लोकेशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप उसे चेकआउट करके आ सकते हैं। तो अभी चलते हैं अंदर और यहाँ के जो ऑनर हैं उनसे पूछते हैं कि क्या क्या मिलता है इधर। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार बेटा। क्या नाम है अंकल जी? वरेंद्र वाटला मेरा। क्या क्या मिलता है आपके पास? मेरे पास बस सारी चूर मिलते हैं। अच्छा। नॉर्मल मिलते हैं। तो प्राइस क्या रहता है सबका? प्राइस है 80 रुपए का आलू का है। अच्छा। छोले हैं, दाल मखनी है, चटनी है, चूर है। ये लोकेशन क्या पड़ेगी यहाँ? ये चंदन नगर पड़ती है, यूनियन बैंक के नीचे। अच्छा। और मतलब कब से है ये दुकान? मेरे को 11 साल हो गए। 11 साल पुरानी शॉप है ये। और अभी अपना जो चुरचुर नान है उसे लगवाते हैं और टेस्ट करके देखते हैं कैसा होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर अपने चुरचुर नान की मेकिंग स्टार्ट हो चुकी है और इसके अंदर भैया स्टफिंग कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में स्टफिंग की जा रही है और लोई बन के तैयार हो गई है। अब इसका अगला प्रोसेस है, भैया यहाँ पर इसे चुरचुर नान की शेप दे रहे हैं, हाथों से प्रेस करके काफ़ी पतला कर रहे हैं इसे। ये क्या क्या रहता है इसके अंदर? इसके अंदर भैया आलू का, आलू प्याज का स्टफिंग होता है। अच्छा। और ये मैदा रहता है या? मैदा रहता है, मैदा रहता है। मैदा में मिक्स करते हैं, टिक्की लगा रहे हैं चुरचुर नान की। ये चीज होता है क्या? होता है, चीज होता है, चीज। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। इसके अंदर भैया ने चीज की बारिश कर दी है चुरचुर नान के ऊपर और भाई काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में जो है चीज़ को लगाया जा रहा है इसके ऊपर। भाई देखने में अभी से ही इतना टेम्पटिंग लग रहा है। ये अभी घी डाला भी है इसे? अच्छा, अभी इसे कितना टाइम लगेगा? 5 से 7 मिनट। अच्छा, 5 से 7 मिनट। चुरचुर नान निकलने वाला है। यहाँ पर चुरचुर नान को अच्छे से सेका जा रहा है, जो भी थोड़ा बहुत कच्चा होगा उसको प्रॉपर सेक कर यहाँ पर सर्व किया जाएगा। मैंने काफ़ी जगह देखा है कि तंदूर के अंदर की जितनी भी चीज़ें रहती है ना, थोड़ी बहुत कच्ची पक्की ऐसे लच्छा पराठा हो गया, तंदूरी रोटी हो गया, ऐसे सर्व करके दे देते हैं, बट यहाँ पे प्रॉपर सेक के दे रहे हैं। तो यहाँ आ गया है चुरचुर नान, निकल गया है। बहुत लाजवाब रंगत हो चुकी है इस चुरचुर नान की। अब मक्खन लगेगा इसके ऊपर। तो यहाँ फॉइल पेपर पे इसे रख रहे हैं। ये किस चीज़ का बटर है भैया? अच्छा, अमूल का बटर जो है पूरा अच्छे से लगा दिया है भैया ने चुरचुर नान के ऊपर एकदम अच्छी क्वांटिटी में। और इसे
चुर चुर कर दिया है भाई। और ये प्लेट अभी वहाँ से चला जा तो यहाँ पे अपनी चुर चुर नान वाली थाली आ चुकी है। और देख सकते हो इसका कॉन्सेप्ट यहाँ हमें थोड़ा मिला है। ये छोले हैं, ठीक है, काबुली चने वाले, और ये दाल मखनी है यहाँ की, और ये प्याज और चटनी। मतलब चटनी इधर वैसी नहीं है, ये मिंट वाली चटनी नहीं है, ये अलग ही है। अभी टेस्ट करने के बाद पता चलेगा कैसी है। और भाई ये चुरचुर नान ऐसे आया है, और इसे दिखाते हैं खोल के कि अपना नान जो है कैसा हो रखा है इसके अंदर। ये देख सकते हो भाई साहब, पूरा बटर वगैरह अच्छे से लगा है इसमें। तो अभी आ चुकी है टेस्टिंग के बारे, टेस्ट करके देखते हैं भाई बनते हुए। मेकिंग तो अच्छी लगी चुरचुर नान की, और चुरचुर नान फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाला हूँ मैं, और देखते हैं कि टेस्ट कैसा होने वाला है। तो फिलिंग जैसे कि भैया बता रहे थे कि इसके अंदर आलू प्याज की फिलिंग हो रखी है, और आलू प्याज है इसके अंदर काफ़ी अच्छे से। और टेस्ट करते हैं छोले के साथ सबसे पहले। काफ़ी बढ़िया है, मसाला ज़्यादा हैवी भी नहीं है, हल्का है, बढ़िया है। अजवाइन वगैरह डल रखे है चुरचुर नान में, और मतलब मसाला जितना होना चाहिए ना कि खाने में थोड़ा ठीक रहे, दिक्कत ना करे बाद में। मतलब ये वाली दिक्कत, वैसे ही यहाँ पे छोलों को जो है बनाया गया है। अब टेस्टिंग की बारी है दाल मखनी की, तो एक बाइट ये अच्छा सा और ले लेते हैं, गर्मा गर्म है भाई। तो यहाँ ये अपनी दाल मखनी के साथ, ये दाल मखनी आ गई, और इसी पे थोड़ी सी चटनी डाल देते हैं, चटनी प्याज। अभी पहली बार ऐसा कॉन्सेप्ट देख रहा हूँ कि चटनी के अंदर प्याज एकदम छोटी छोटी करके मिक्स करके पूरा सर्व किया जा रहा है। अच्छा, अब देखते हैं कैसा होने वाला है। दाल मखनी भी काफ़ी ठीक है, उसमें भी मसाला ज़्यादा तेज़ नहीं है। और जो चटनी है उसमें मतलब यार थोड़ा टमाटर वमाटर का जो रस वो डाला गया है इसके अंदर, और लाल मिर्च थोड़ी सी, प्याज वगैरह के अंदर चटनी भी काफ़ी बढ़िया लग रही है। एक बाइट और खाऊंगा मैं। छोले और प्याज चटनी के साथ, ठीक है, और ये प्याज और चटनी आ गई। चटनी के अंदर नींबू वगैरह भी डल रखा है पहले से जैसा। और ये जो बटर वाला चुरचुर नान है काफ़ी अमेजिंग है, मज़ा आ गया खाने में। तो भाई लेटर तो खाने में मज़ा आ गया। जो इसका प्राइस है उसके हिसाब से एक बंदे के लिए ये ठीक है, एक बंदे के लंच के लिए काफ़ी बढ़िया है। और भैया ने ये बताया था चुरचुर नान एक मतलब नान एक ही रहेगी, उसके बाद से अगर सब्जी आपकी ख़त्म हो जाती है, छोले और दाल मखनी अगर आपकी ख़त्म हो जाती है, तो आप रिफ़िल करा सकते हो छोलों को और दाल मखनी को। लेकिन चुरचुर नान जो है अगर वो एक्स्ट्रा लोगे तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। तो ये अनलिमिटेड है, ये अनलिमिटेड नहीं है, इसी की वजह से खाते हैं। बाकी जितना चाहे उतनी बार ये सब्जी ले सकते हो। तो चलो आज के लिए बस इतने। गूगल मैप की लोकेशन जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, अगर आपको भी ट्राई करना है तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। तो चलो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और बने रहो अपने इस चैनल पे और भी मज़ेदार फूड देखने के लिए। और अनलिमिटेड फूड वाली सीरीज़ भी लाएंगे,
तो वो भी देखते रहना, मतलब चलती ही रहती है और भी आएगी वो भी देखते रहना। और बाकी मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, आईडी है फूडी वॉर, तो यहाँ पे आईडी भी दिख रही होगी, उस पर मैं ऐसे पोस्ट डालता रहता हूँ, आपको दिख जाएगा साइड में कि रेगुलर जो है ना भाई इतनी मस्त मस्त फूड की वीडियो डलती है कि आपको भी भूख लग जाएगी। ठीक है, तो जाओ वहाँ पे भी फॉलो करो, वहाँ पे भी प्यार दिखाओ। चलो आज की वीडियो में नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।